कुछ पता है आज फिर से वही होने वाला है जो क्या होने वाला है। लगभग हमारे यहाँ जो हर दूसरे तीसरे दिन जो पार्टी होती है। तो हेलो गाइस, कैसे, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज जो है फिर से पार्टी होने वाली है अपने देसी स्टाइल में। चोखा बाटी यानी भौरिया बनेगी, तो आज जो है उसको एंजॉय करेंगे और देखते हैं आगे क्या होने वाला है। जो कंडे रखे हुए हैं, उपले रखे हैं, वो आपको दिखाएंगे। उस पर जो है भौरिया पकाई जाएंगी। पहले जो उसे रख दिया गया है। दिखाओ चल के, आओ चलिए दिखाते हैं, चलकर बंद कर लो। गाय के उपले हैं और हमारे यहाँ जो है तो नहीं है, तो हमारे पास तो जो है भाई के यहाँ से आए हैं। तो भैया अब इनको जो है जलाया जाएगा, उस पर जो है भौरिया पकाई जाएंगी यानी चोखा बाटी पकाई जाएंगी। चोखा जो है बाद में बनाया जाएगा। तो भैया इसको रखा जाएगा और अभी जो है आग जलाने वाले हैं हम लोग फटाफट, और आगे की बातें आगे। तो बाटी बनाने के लिए भैया भाई लोग जो है आटा और बेसन का जो मिक्सचर है उसे जो है माड़ेंगे और माड़ करके बाटियाँ तैयार करेंगे। तो भैया वही प्रोसेसिंग चल रही है। तो अभी जो है आटा माड़ा जा रहा है और साथ ही साथ जो है सब्जियां भी काटी जाएंगी जिससे जो है चोखा बनाया जा सके। तो टमाटर, प्याज, लहसुन, धनिया, ये सारी चीज़ें जो है काटी जाएंगी और उसके बाद जो है आलू जो है उनको उबाला जाएगा। तो आलू भी जो है अभी धोने हैं और उनको जो है उबालना है। कभी कभी पका लेते हैं, तो ज़्यादा मात्रा में होते हैं तो उन्हें क्या करते हैं, उबाल लेते हैं। और सैली जो है बिट्टू को खिला रही हैं, बाकी अपना काम चल रहा है जो भी होना है। तो अब जो है आलू धोए जाएंगे और उसके बाद उबाले जाएंगे। भैया आलू धोते हुए रोहित भाई और आशुष भाई अभी जो है उबालने का काम जो है होगा। उसके बाद जो है चोखा बनाया जाएगा। और इधर जो है भाई लोग प्याज काट रहे हैं, इधर टमाटर भी रखा हुआ है, धनिया, ये सब चोखा में मिलाया जाता है। ये इधर जो है रखा है बैंगन और इधर पत्ते, इस पर रख के पकाया जाएगा। तो भाई लोग भैया जो है प्याज काट रहे हैं, धनिया जो भी काटना है, धनिया, मिर्चा, टमाटर सब काट लेंगे। उसके बाद जो है आग जला दी गई है। जैसे मैंने आपको दिखाया था कि उपले लाए थे हमारे भाई, तो आग जला दी गई है। आप आग देख सकते हैं जल रही है। और अभी जो है एकदम जब अच्छे से आग जल जाएगी यानी कंडे जो है जल जाएंगे, उसके बाद जो है इस पर बाटियाँ रखी जाएंगी। तो भैया आग जल गई है, उसके बाद जो है मतलब अच्छे से आग तैयार हो गई बाटियां रखने के लिए। देखिए एकदम लाल लाल जो है आग तैयार हो गई है, इसी पर जो है बाटियां रखी जाएंगी। तो देखिए बाटियां रखी जा रही हैं पत्तों पर। इससे ये होता है पत्तों पर जब बाटियां रखते हैं तो ज़्यादा जो है जलती नहीं है, अच्छे से पक जाती हैं और राख भी नहीं लगती है। तो बाटियाँ फटाफट रख देते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तो इस तरीके से जो है भैया आग पर बाटियाँ रख दी जाती हैं और उन्हें पलट लिया जाता है। देखिए बैंगन भी रखे गए हैं, उनको जो है डाला जाएगा बाटियों में। भैया देखिए अब जो है चोखा बनाया जाएगा। फटाफट देखिए सब बन गया है। ये देखिए अब जो खाने की तैयारी है। तो मैं खाने के लिए रेडी हूँ। और जो आपकी भौरिया है यानी बाटी है उसे जो है घी में एकदम अच्छे से घी लगा लिया गया है इस पर। और उसके बाद जो मैं खा रहा हूँ, काफ़ी अच्छी बनी थी और पापा भी हमारे खाए थे तो उनको भी काफ़ी अच्छी लगी। तो पापा हमारे और खा रहे हैं, इनसे पूछा था मैंने कैसी लगी तो बता रहे थे अच्छी बनी है। अब बस जो है कंपटीशन होने वाला है और देखिएगा आप लोग कौन जीतेंगे। भैया भौरिया का प्रोग्राम था, हमारे छोटे भाई दोनों महाबली ओमप्री और रोहित भाई, दो भौरिया जो है खानी है और इसमें भरता भी रखा हुआ है यानी चोखा बाटी। तो देखते हैं सबसे जल्दी कौन खाएगा और काफ़ी तगड़ा कंपटीशन होने वाला है। तो जीतने वाले को जो है क्या मिलेगा? गन्ने का रस पीने को मिलेगा। तो 3 बोलने पर जो है आप लोग स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। अब देखना है सबसे जल्दी कौन खाएगा। वैसे लास्ट टाइम रोहित जीत गए थे पुनीत भाई से। कौन जीतेगा? बेमानी कुछ बचे नहीं। रोहित ऑल द बेस्ट भैया, जीतोगे, हम आपकी तरफ हैं। तो भैया आप सैली और मम्मी बताएंगी खाके कैसी बनी है। बहुत अच्छी बनी है। ओके हम लोग तो खा रहे हैं, आप लोग चाह रहे हो तो आप लोग खा लो। तो इसी प्रकार से आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।